2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत के साथ तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही अलग अलग राज्यों में भाजपा के खिलाफ गठबंधन का जाल फैलाने के लिए पार्टी के रणनीतिकारों को मैदान में उतार दिया है। यूपी में सपा, बसपा और आरएलडी के साथ मिलकर कांग्रेस जहां महागठबंधन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी मायावती के साथ गठबंधन तय माना जा रहा है। यूपी और मध्य प्रदेश के अलावा कांग्रेस ने झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और केरल में अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया है। झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व के बीच लंबे दौर की बातचीत के बाद गठबंधन पर सहमति बनती नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि झारखंड में कांग्रेस ने झामुमो के साथ गठबंधन के लिए सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है। इधर इसी तरह तमिलनाडु में कांग्रेस करुणानिधि की पार्टी डीएमके के साथ संपर्क में है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन में लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हैं। लेफ्ट पहले ही संसद के अंदर और बाहर कांग्रेस के साथ काम करने पर सहमति दे चुका है। बात करें बिहार की, तो कांग्रेस का सबसे मजबूत महागठबंधन बिहार में है। बिहार के महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के साथ जीतन राम मांझी की हम पार्टी भी शामिल है। आपको बता दें कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े थे। हालांकि नीतीश कुमार की जेडीयू अब अलग हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में महागठबंधन को बेहद मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ एनडीए में भाजपा, जेडीयू, एलजेपी और आरएलएसपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। माना जा रहा है कि राज्य की कुछ छोटी पार्टियां भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं। वहीं केरल में लेफ्ट और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। टीम न्यूज़ नाउ।